वक्त आपको हम 25 बड़ी खबरें चुनावों से जुड़ी हुई कौन सी हैं ये बताते हैं। गुजरात में आज वोटिंग का फुल एंड फाइनल आखिरी चरण के लिए 93 सीटों पर मतदान जारी, मतदान केंद्रों के बाहर लगी है लंबी लाइन। गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक 34.74% हुआ मतदान, पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में दिख रहा उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के राणिप में डाला उन्होंने वोट, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़क किनारे लोगों की लंबी कतार। प्रधानमंत्री मोदी वोट करने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी नजर आए, फिर अपनी बारी आने पर जाकर वोट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। वोट डालने के लिए पीएम मोदी अपने बड़े भाई से मिलने पहुंचे, मतदान केंद्र से पैदल ही प्रधानमंत्री अपने भाई के घर पहुंचे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीएम मोदी के बड़े भाई ने TV9 से खास बातचीत में कहा, नरेंद्र मोदी ने मेरा हाल चाल पूछा और घर पर चाय पी, मैंने नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर के रायसण में डाला वोट, उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था, पीएम कल घर पर मां से मिलने भी गए थे। वोट करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आए, कहा लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं, अच्छे से चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को बधाई दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा वोट देने के बहाने प्रधानमंत्री ने चुनाव के का दौरा किया और प्रधानमंत्री ने 2.5 घंटे का रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ अहमदाबाद के नारणपुरा में डाला वोट, अमित शाह ने की अपील, प्रचंड बहुमत की सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वोट डालने के बाद गृहमंत्री अमित शाह नारायणपुरा के मंदिर पहुंचे, परिवार से के साथ पूजा अर्चना भी की। TV9 से बातचीत करते हुए कहा गुजरात का विकास जारी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने घाटलोडिया विधानसभा में वोट डाला। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मतदान किया, अहमदाबाद के शिलाज अनुपम स्कूल में वोट डाला गया। बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने वीरगाम में डाला वोट, हार्दिक पटेल ने सभी गुजरातियों से वोट अच्छे कानून व्यवस्था और विकास के लिए वोट डालने की अपील की है। TV9 से खास बातचीत में बोले बीजेपी प्रत्याशी अल्पेश ठाकुर, कहा कांग्रेस में आकर गलती की थी, भूल सुधार लिया है, बीजेपी इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर वडगाम से कांग्रेस उम्मीदवार जिग्नेश मेवाड़ी ने TV9 से कहा, मैं अकेले बीजेपी की नाक में दम करने के लिए काफी हूं। वोट डालने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार हर्षद पटेल से की मुलाकात, साबरमती विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर हर्षद पटेल। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोगों की लगी लंबी लाइन, सड़क किनारे लोगों ने खड़े होकर लगाए मोदी मोदी के नारे, ढोल नगाड़े बजाकर किया स्वागत। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार यशुदन गढ़वी ने पत्नी के साथ घाटलोडिया में किया मतदान, वोटिंग के बाद लोगों से मतदान करने की अपील की। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया, वोटिंग के बाद बोले इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। अहमदाबाद के आश्रम इलाके में पोलिंग बूथ पर 95 साल की एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर पहुंचकर उन्होंने वोट डाला, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने मतदान करने में मदद की। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा मैनपुरी और रामपुर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, घरों से मतदाताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी घबराई हुई है। मैनपुरी और रामपुर में भी आज हो रहा है मतदान, मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है। मतदान से पहले डिंपल यादव ने ट्वीट करके लिखा, आज का मतदान नेताजी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। 5 राज्यों में उपचुनाव की जंग, यूपी की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।